हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है महाराजा शिव छत्रापति परिस्थान वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 84 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जनवरी 2023 को आया। ये केस सेक्शन 2 क्लॉज 15 और सेक्शन 11 को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2-3 बजट के अंदर सरकार का जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर काफी कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की गई है और इसी आवाज में जो सेक्शन 11, 12, 13 है उनके प्रोविजंस को काफी स्ट्रिक्ट किया गया है, जो लूपहोल्स हैं उनको प्लग करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स सेक्शन 11, 12, 13 पर हैं वो भी उसके अंदर एक स्पाइस का काम करते हैं। इस केस के अंदर जो असेसी है वो महाराजा शिवाजी के जीवन पर ड्रामा कंडक्ट करते हैं और ये जो ड्रामा कंडक्ट करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज के बिहाफ पर करते हैं और फिर वो कंपनीज जो हैं वो इन ड्रामा की टिकट सेल करती हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव पर होती हैं। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि सेक्शन 2 क्लॉज 15 के अंदर जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी गई है या जो सेक्शन 2 क्लॉज 15 के अंदर चैरिटेबल के अंदर एजुकेशन वर्ड है और जो असेसी की एक्टिविटी है वो उस एजुकेशन की परिभाषा में नहीं आती। आगे असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि ये सेक्शन 2 क्लॉज 15 की लास्ट लिंब के अंदर आती है जनरल पब्लिक यूटिलिटी के केस में और यहां पर असेसी को जो टोटल रिसीट्स हुई हैं वो 1.96 करोड़ हुई है और जो असेसी का खर्चा जो है वो 1.16 है। तो पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो असेसी का केस है वो एजुकेशन की डेफिनेशन में नहीं आता, ये जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंदर आता है और जो सेक्शन 2 क्लॉज 15 के अंदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी है उसके अंदर ये कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन वर्सेस अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट के अंदर कहा है कि यदि असेसी जनरल पब्लिक यूटिलिटी के दायरे में आता है और उसको बिजनेस से जो रिसीट्स होती हैं वो टोटल रिसीट्स की 20% से ज्यादा हैं तो असेसी की एक्टिविटी जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटी जो है वो नहीं कहलाएगी। इस केस के अंदर जो असेसी को प्रॉफिट हो रहा था वो 40% का प्रॉफिट हो रहा था और यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जाएं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि यदि असेसी सेक्शन 2 क्लॉज 15 की लास्ट लिम में कवर होता है तो ये देखना जरूरी है कि जो असेसी अपनी एक्टिविटी कर रहा है वो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर हो या जो उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट हो वो मिनिमल हो। तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यदि हम रेशो अप्लाई करें तो इस केस के अंदर जो असेसी को प्रॉफिट हो रहा था जो मार्कअप था वो 40% था, इसीलिए इस केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी जो है वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा था और असेसी जो है वो एजुकेशन की डेफिनेशन में तो आता ही नहीं है, क्योंकि जो असेसी का काम है वो ड्रामा कंडक्ट करना है, एक जो हमारे देश की बड़ी पर्सनैलिटीज है, लेकिन क्योंकि ये ड्रामा दूसरी कंपनीज के बिहाफ पर किया जा रहा था और फिर वो कंपनीज जो है आगे उस ड्रामा की जो है वो टिकट सेल कर रही थी जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए था। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि हर किसी एक्टिविटी को जहां पे कोई मैसेज जाता हो, कोई सीखने की चीज हो, वहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो एक एजुकेशन के काम में है। हर एक्टिविटी को एजुकेशन नहीं कहा जा सकता, यदि वो एजुकेशन की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करता
तो वो जनरल पब्लिक यूटिलिटी में कवर हो जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है महाराजा शिव छत्रापति परिस्थान वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 34 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 19 जनवरी 2023 को आया।